नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू Editplatter.com। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आज सुबह बात करेंगे हम समाचार पत्रों की सुर्खियों की कि किस तरह से अलग अलग न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों का, जहां सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए जो कल होएगा उसके लिए प्रचार कल शाम यानी सोमवार शाम समाप्त हो गया। ज्यादातर अखबारों ने कहा है कि ये शायद हाल के वर्षों में इससे ज्यादा एक्रीमोनियस, इससे ज्यादा बिटर, कड़वाहट भरी हुई, इससे ज्यादा नो स्टॉप्स होल्ड काइंड ऑफ कैंपेन देखी नहीं गई है, जिसमें हर कैंडिडेट ने, हर पार्टी ने जैसे अपना सब कुछ झोंक दिया। और ये सब कुछ झोंकने की परंपरा में सबसे आगे तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने 3 दिन तक प्रवास किया वाराणसी में अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसकी वजह से तमाम तरह के दूसरी एनालिसिस शुरू हुई कि क्यों प्राइम मिनिस्टर क्या मध्यावधि चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, क्या प्राइम मिनिस्टर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, क्या क्यों प्राइम मिनिस्टर ने इसको इतनी प्रेस्टीज का इशू बना लिया है, किस लिए देश का प्रधानमंत्री 3 दिनों से बनारस और आसपास की सड़कें नाप रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। इस बारे में हमने कल भी बात की थी, लेकिन अखबारों में आज भी इस विषय में काफी कुछ लिखा गया है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं कि किस तरह की खबरें छपी हैं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस की जो प्रमुख खबर है आज की, उसकी हेडलाइन है ग्राउंड फॉल्स साइलेंट नाउ इट्स अप इन द एयर। अप इन द एयर मतलब ना अब सब कुछ हवा में, लेकिन अब से उनका तात्पर्य था यूपी से, कि अब जो जितना भी प्रचार होना था सब कुछ हो चुका है, अब गेंद मतदाता के हाथ में है, गेंद मतदाता के पाले में है, वो किस तरह का और क्या फैसला लेता है, ये इंडियन एक्सप्रेस की प्रमुख खबर है। इकोनॉमिक द हिंदू अखबार ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस छापी है, ये लिखी है निरंजन सरकार ने, भानु जोशी ने और आशीष रंजन ने, 3 जनों की बायलाइन से ये स्टोरी है। वेटिंग फॉर द साइलेंट वोटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश टू स्पीक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस। इस पीस में कमोबेश बात ये लिखी गई है, इस पीस का निचोड़ ये है कि 2 तरह के वोटर्स होते हैं। एक तो बिल्कुल कमिटेड वोटर है, जो बीएसपी को, बीजेपी को, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन को या अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, उसको तो वोट डालना ही डालना है चाहे कुछ भी हो जाए, उसका माइंड बना हुआ है, उसका मत बिल्कुल निश्चित है। लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल किन के पीछे भाग रहे हैं या किन को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो 2 कैटेगरी के वोटर्स हैं। एक तो जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जिन्होंने अभी अपना माइंड नहीं बनाया है और जो अंतिम दिन या अंतिम क्षण पे जब बूथ पे जाएंगे उस समय निर्णय लेंगे कि भाई किसके पक्ष में मतदान करना है। और इस जो फ्लोटिंग वोटर्स है उसकी भी 2 कैटेगरी है। फ्लोटिंग वोटर्स ऐसे हैं कि उनकी 3 प्रायोरिटीज हैं कि सपोज नंबर 1 एसपी कांग्रेस अलायंस है, फिर बीजेपी है, फिर बीएसपी है। अगर उन्हें लगेगा कि लास्ट मिनट पे किसके पक्ष में रुझान ज्यादा हो रहा है वो उधर चले जाएंगे। फिर एक स्ट्रेटेजिक वोटर है इसी फ्लोटिंग वोटर में, जो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहेगा किसी भी हालत में। तो हो सकता है वो अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं दे, लेकिन उस नंबर 2 पार्टी को वोट दे दे जो उसकी पसंद की श्रेणी में नंबर 2 है, जो कि शायद जीतने की स्थिति में हो। तो वो अपना, ये स्ट्रेटेजिक वोटर वो है जो अपना वोट वेस्ट नहीं करेगा। सपोज उसकी फेवरेट पार्टी बीएसपी है, लेकिन उसको लग रहा है कि बीएसपी तो जीतेगी नहीं, तो वो अपने दूसरे नंबर की फेवरेट पार्टी को वोट दे देगा कि भाई चलो मुझे बीजेपी नहीं पसंद है, मैं एसपी को वोट डाल देता हूं, चाहे मेरी प्रथम चॉइस बीएसपी है। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर्स की कैटेगरी है, इनके पीछे सब भाग रहे हैं। और इस हिंदू के पीस का विश्लेषण ये है कि ये फ्लोटिंग वोटर्स की जो कैटेगरी है और खासकर स्ट्रेटेजिक वोटर्स की, उससे बहुजन समाज पार्टी को लाभ हो सकता है, ऐसा हिंदू के इस पीस में लिखा गया। अक्षय मिश्रा ने एक फर्स्ट पोस्ट में एनालिसिस लिखी है अपनी इन्हीं चुनावों के बारे में, जिसमें उन्होंने लिखा है व्हाट्स ड्राइंग नरेंद्र मोदी एंड हिज राइवल्स डेस्परेट अहेड ऑफ द फाइनल फेज। मतलब इतना डेस्परेशन क्यों है, इतना उतावलापन क्यों है, इतना हर कीमत पे ये चुनाव जीतने की उत्कंठा इच्छा क्यों है, इसका बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है। और उसमें कुल मिला के उस पीस का भी निचोड़ ये है जो हम लगातार कहते रहे हैं कि ये काफी हद तक सबके लिए एक तरह से करो या मरो किसी लड़ाई बन गई है। मायावती 3 बार चुनाव हार चुकी हैं, 2009 में चुनाव हारी वो लोकसभा में, उसके बाद 2012 में बहुजन समाज पार्टी हारी समाजवादी पार्टी से, और फिर 14 में खाता नहीं खोल पाए लोकसभा चुनाव में। तो अगर इस बार भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो उनकी बेस खिसक सकती है, इसलिए मायावती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव। अखिलेश यादव के लिए
एक्चुअली ये चुनाव तीनों में से सबसे कम इम्पोर्टेंट है मेरी समझ में, क्योंकि अखिलेश यादव अभी बहुत युवा हैं, उन्होंने बहुत ही निर्णायक तरीके से स्वयं को स्थापित कर लिया है समाजवादी पार्टी के एकमात्र नेता की तरह से। तो लंबी राजनीतिक पारी लाइज अहेड ऑफ हिम, 30-35 साल की उन्हें राजनीति करनी है। पार्टी पे अब वो सर्वोच्च नेता है, पार्टी पे उनका पूरा कंट्रोल है। अगर इस बार कुछ 19-20 हो भी जाता है उनके लिए तो भी he has to only consolidate his position and can improve upon that in the coming elections. But still, एक बड़ा दाव उन्होंने खेला है, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, सरकार में थे, दोबारा सत्ता में आना चाहेंगे, तो उनके लिए भी किसी से कम नहीं होगी लड़ाई। लेकिन स्टेक पे रिलेटिवली उनका इन तीनों में सबसे कम है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्टी का लगभग एक मिड टर्म असेसमेंट हो रहा है इन इलेक्शंस में, और अगर नहीं भी हो रहा होता तो पार्टी ने जितनी हाई प्रोफाइल, हाई पावर, हाई वोल्टेज कैंपेन की है, उन्होंने एक तरह से इसको अपना एक मिड टर्म असेसमेंट का मुद्दा बना लिया। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर सड़क पे उतरे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी खुद की प्रेस्टीज दांव पे लगाई है, नाउ ही हैज मेड द इलेक्शन इवन मोर इम्पोर्टेंट एंड स्टेक्ड अ लॉट ऑन इट। सो बीजेपी की परफॉर्मेंस विल अगेन बी क्लोजली वॉच्ड। तो इसलिए तीनों के लिए करो मरो की लड़ाई है, इसलिए इतना डेस्परेशन। प्राइम मिनिस्टर खुद एक ऐसे आश्रम में भी गए जिसमें जिसकी यादवों में बड़ी मान्यता है, बड़ी श्रद्धा है, वहां पर गए। फिर जो 7 बार के MLA जिसको टिकट नहीं दिया गया है उससे भी उन्होंने मुलाकात की है। लाल बहादुर शास्त्री के रिलेटिव्स के घर गए, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं वो कि इस चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में, और खासकर अपनी खुद की, क्योंकि उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, अगर वहां की सीट्स में से अच्छे नंबर में बीजेपी नहीं लाती है तो ये प्राइम मिनिस्टर की व्यक्तिगत हार की तरह से कई लोग देख सकते हैं, और शायद ये बात उन्हें पसंद नहीं आएगी कि अगर वहां पे लूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी पुल्स आउट ऑल स्टॉप्स टू विन वोटर्स, ये स्टोरी की है इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है ये कहानी राकेश मोहन चतुर्वेदी के नाम से, और इसमें यही सब लिखा गया है जिसकी अभी हमने चर्चा की कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग ऑल आउट इन वाराणसी, विच इज नाउ बिकमिंग अ टॉक ऑफ द टाउन, कि भाई इतना सब कुछ क्यों दांव पे लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी करते हैं, एक अपनी पार्टी का बड़ा चेहरा है, सबसे लोकप्रिय चेहरा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी और मोदी आज पर्याय बन चुके हैं, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ब्रांड मोदी हैज नाउ बिकम बिगर देन ब्रांड बीजेपी। सो वेल, फॉर गुड और बैड, वेदर यू लाइक इट और नॉट, नरेंद्र मोदी हैज नो चॉइस बट टू परहैप्स गो ऑल आउट एंड कैंपेन। एक और स्टोरी जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, अर्जित घोष ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे अखिलेश यादव हैज इमर्ज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर बट दिस इज अनलाइकली टू हेल्प समाजवादी पार्टी। ये भी कमोबेश वही बात है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने स्वयं को स्थापित कर लिया है समाजवादी पार्टी के नेता की तरह, लेकिन इन चुनावों में अखिलेश यादव हालांकि शायद यूपी के पॉलिटिशियन नंबर वन है, नेता नंबर वन है, जब वहां के युवाओं से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की परेशानी ये है कि उनके MLAs और मंत्रियों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का वजन उनकी कैंपेन पे पड़ रहा है, उसका बोझ पूरी तरह से अखिलेश यादव की लोकप्रियता या जो जनता उन्हें पसंद कर रही है वो दूर नहीं कर पा रही। तो समवेयर इज ओन पॉपुलैरिटी इज नॉट एबल टू नेगेट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट हिज सम वेरी अनपॉपुलर मिनिस्टर्स एंड MLAs। तो ये बड़ी बात, एक मोदी फैक्टर, कास्ट कैलकुलेशन एंड अ कम्युनल डिवाइड मेक्स द बीजेपी द पार्टी टू बीट। अनीता कट्याल पुरानी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने स्ट्रोल में लिखा है ये, और उन्होंने आप हेडलाइन से ही समझ सकते हैं कि मोदी का करिश्मा और जो जातीय कैलकुलेशंस की हैं पार्टी ने, और जो एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ है ग्राउंड में, उसकी वजह से बीजेपी उन्हें नंबर वन पार्टी लग रही है। PM मोदीज रोड शो अ गार्लैंड अ शॉल एंड अ मैसिव PR एक्सरसाइज, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये स्टोरी की है कि किस तरह से अगेन द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स दैट हाउ मोदी हैज गॉन all out in this election and what will be the result of this massive exercise on the ground, which is PR come trying to, you know, get voter attention on his personal charisma, going out, making a virtual referendum on himself and his candidature from Varanasi. So interesting times ahead. Kal vote matdan ka din hai,
देखने की बात यह है कि पिछले दो चरणों में मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं गया है, तो ये किसके लिए अच्छा संकेत है और किसके लिए खराब? अगर बीजेपी वेव की बात कर रही है और बीजेपी की जीत की बात करने वाले भी किसी किसी की लहर की बात कर रहे हैं, तो उस तरह का मतदान प्रतिशत क्यों नहीं हो रहा? ये बीजेपी के समर्थकों के लिए, उनके शुभ चिंतकों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। कल कैसा रहता है मतदान प्रतिशत? 40 सीट्स में मतदान है। पूर्वांचल होल्ड्स द की टू हु विल रूल अवध। लखनऊ में गद्दी की चाबी किसके हाथ में होगी? कल फिर मुलाकात होती है आपसे। मीनवाइल आप एडिट प्लाटर के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट मेरे कुलीग्स कर रहे हैं और देश और दुनिया के अच्छे समाचार, अच्छे विश्लेषण भी आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे। बहुत दिनों से याद नहीं दिलाया, हमारा ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन भी है, iOS वर्जन भी है। सो प्लीज ज्वाइन अस ऑन एडिट प्लाटर, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। नमस्कार।